मजा आ जाएगा। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल भी उसे भी जाके फॉलो करो क्योंकि उसमें भी चीजें लाता रहता हूँ। और ऐप मेरा क्रश कोर्स है, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का क्रश कोर्स, मात्र 25 दिन में एनाटॉमी खत्म, 25 वीडियो, 7 दिन में बायोकेमिस्ट्री खत्म, बायोकेमिस्ट्री 70 की सीरीज, नोट्स, प्रीवियस के पेपर, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिलेगा मेरे ऐप में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्टाफ का नंबर भी है, कॉल भी लगा सकते हो उनको। सो यार देरी किस बात की है। चलिए अभी अपन टाइम बर्बाद ना करते हुए अपना करेनियल नर्व के बारे में पढ़ते हैं जो कि अपनी 9th करेनियल नर्व है। देन वी विल टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट नर्व, 9th नर्व, व्हिच इज आल्सो नोन एज ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व का यूज क्या है अपनी बॉडी में? देखो ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व जो है इसका नाम क्या है, ग्लॉसो मतलब टंग, तो मतलब ये नर्व अपने टंग को सप्लाई करती है। और आपको मैंने एनाटॉमी में पढ़ाया था अपने टंग का पोस्टीरियर वाले पार्ट का सारा सेंसरी इंपल्स कौन ले जाता है, वो ले जाता है ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, याद आया? तो ये टंग का क्या करेगी, सारा सेंसरी इंपल्स ले जाती है पोस्टीरियर पार्ट अपने टंग का, ठीक है? तो ये अपनी होगी ग्लॉसोफेरिंजियल, तो ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व का ग्लॉसो वाले पार्ट का यूज, फेरिंजियल क्यों, क्योंकि ये जो है अपनी फेरिंज के मसल को सप्लाई करेगा। तो ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है, किस्मत रही यूनिवर्सिटी में आ जाएगा, डेफिनेशन कोर्स ब्रांचेस में इसको लिख देना। मैं आपको एक बार क्या करता हूं, एक्सप्लेन भी कर देता हूं सो दैट यू कैन इजीली रिमेंबर दिस। तो ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व जो है वो कैसी नर्व है, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व जो है वो अपनी 9th करेनियल नर्व है। पहली बात कहां से अराइज हुई, 9th करेनियल नर्व कहां से अराइज हुई, तो 9th करेनियल नर्व जो है 9, 10, 11, 12 ये चारों की चारों बची हुई अपने अराइज होती है मेड्यूला से। मेड्यूला में 3 न्यूक्लियस होती है, एक न्यूक्लियस अम्बिकस, इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, ये तीनों न्यूक्लियस से ये निकलती है नर्व, ठीक है? तो अपन देखते हैं इसका कोर्स। देखो कोर्स में क्या आपको ऐसा पॉइंट में लिखना है कि इंटर न्यूरोनल कोर्स क्या है, इंटर करेनियल क्या है और एक्स्ट्रा करेनियल कोर्स क्या है। अब वर्ड्स में लिखा इंट्रा न्यूरोनल मतलब कि वो ब्रेन स्टेम से निकलेगा ना नर्व, उसको बोलते हैं इंट्रा करेनियल कोर्स। और इंट्रा करेनियल कोर्स में ऑलरेडी आपको ब्रेन स्टेम में पढ़ा चुका हूं। फिर आता है इंट्रा करेनियल कोर्स, मतलब कि अपने करेनियल मतलब स्कल, स्कल बोन के अंदर ही कहां से इसका कोर्स होगा, देन स्कल बोन के बाहर निकलने को बोलेंगे एक्स्ट्रा करेनियल कोर्स। देखो क्या होता है, जो मेड्यूला है ना, ये मान लो मेड्यूला है, मेड्यूला ये जो अपनी जो 9th करेनियल नर्व है ना वो क्या करती है, इस तरीके से 3 अलग अलग रूट से निकलती है और तीनों रूट फिर बाद में ऐसी जुड़ जाएंगे और बना लेंगे अपनी 9th करेनियल नर्व। तो अपन ये भी बोल सकते हैं अपनी मेड्यूला से 9th करेनियल नर्व कैसे अटैच है, 3 से 4 फिलामेंट के जरिए अटैच है। उसके बाद वो मेड्यूला से निकले कहां आ गई, अपने आ गई स्कल बोन में, स्कल बोन मतलब इंट्रा करेनियम आ गई। तो इंट्रा करेनियम में देखते हैं सारे फिलामेंट यूनाइट हो जाएंगे और बना लेंगे सिंगल ट्रंक, मतलब कि मेड्यूला से सारे फिलामेंट निकले और बना लिया नेक्स्ट सिंगल ट्रंक। फिर पासेस फॉरवर्ड लेटरल टू द जुगलर फोरामेन, अपने स्कल बोन में फोरामेन होता है जुगलर फोरामेन, जुगलर फोरामेन से पास करती है, जुगलर फोरामेन से याद रखिए कितनी नर्व पास करती है अपनी 9th नर्व, 10th नर्व और 11th नर्व, ये तीनों नर्व अपनी जुगलर फोरामेन से पास करती है और फिर वो आ जाती है स्कल बोन के बाहर एक्स्ट्रा करेनियल कोर्स। स्कल बोन के बाहर अपना प्रेजेंट होता है इंटरनल जुगलर वेन और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो मान लो कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है और इंटरनल जुगलर वेन है, तो इंटरनल जुगलर वेन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बीच में से ये नर्व पास करती है। देन ये क्या करती है, मैं अगर फिर से मेरे मॉडल को बुलाना चाहूंगा, आज अपना मॉडल चेंज हो चुका है, आज अपना हैंडसम मॉडल है, डेली बॉडी बिल्डर रहता है, बॉडी बिल्डर तो हैंडसम नहीं है, हैंडसम अपना भाई है। देखो यार मैं आपको यहां पर दिखाऊं, यहां पे आप देखिए, यहां पे एक्चुअली में बेस में प्रेजेंट होता है कुछ इधर अपना इंटरनल जुगलर फोरामेन है ना, जुगलर फोरामेन बोलते हैं, जुगलर फोरामेन से मान लो ऐसी नर्व निकली, देन नर्व क्या करती है वाइंड मतलब ऐसी टर्न हो जाती है और अपनी कहां जाती है, वो अपनी आ जाती है मैंडिबुलर रीजन में, मैंडिबुलर रीजन में देन नर्व फिर अपनी टंग को सप्लाई करती है। तो ऐसा इसका कोर्स होता है,
देन ब्रांचेस की बात करें, कितनी ब्रांचेस होती है, देखो इसकी होती है एक टिम्पेनिक ब्रांच, एक होती है कैरोटिड नर्व, एक होती है फेरेंजियल ब्रांच, एक होती है मस्कुलर ब्रांच। इसकी मस्कुलर ब्रांच किसको सप्लाई करेगा, स्टाइलो फेरिंग मसल सप्लाई करेगा। एक होती है इसकी टॉन्सिलर ब्रांच जो कि अपने टॉन्सिल को, फेस को, पैलेटाइन को सप्लाई करेगा। एक होती है इसकी लिंगुअल ब्रांच जो कि टंग के पोस्टीरियर 1/3 को सप्लाई करेगा। तो इसकी होती है कुल मिला के 6 ब्रांच। उसका पूरा कोर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये इसका डायग्राम है, डायग्राम याद कर लेना। और ये जो अपना ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो है वो अपना पैरोटिड ग्लैंड को भी नर्व सप्लाई करता है, याद रखना। ये जो सप्लाई है ना ये पूरा, ये ऑलरेडी मैं आपको ना गैंग्लियन में पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं इस पर स्ट्रेस नहीं कर रहा। मैंने आपको सारी गैंग्लियन पढ़ाई है, उटिक गैंग्लियन, सिलेरी गैंग्लियन, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। तो गैंग्लियन भी तुम देख सकते हो, न्यूरो एनाटॉमी मैंने पढ़ाई थी। तो ग्लोसोफेरेंजियल उसको भी सप्लाई करता है। तो ये निकला, सिंगल ट्रंक बनाया, यहां से ये क्या है जुगलर फोरामेन, जुगलर फोरामेन की तरह बाहर आ गया। बाहर आने के बाद ये क्या फेस में से वाइंड कर जाएगा और अपने ट्रंक वगैरह को सप्लाई कर देगा, उसके अलावा फेरेंज की जो मसल होती है उनको सप्लाई करेगा। तो ये पूरा कोर्स एंड ब्रांचेस मैंने आपको बता दिया। देखो मैं ये जितने भी मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ ना, एक्चुअली में ये मेरे हैं एनाटॉमी नेक्स्ट एडिशन के नोट्स, आप साइड में देख पा रहे होंगे। और ये जो नोट्स है ना वन ऑफ द बेस्ट नोट्स है, क्योंकि अगर तुम खुद बीडीसी ओपन करोगे ना तुम्हें ये तीन तीन चार चार पेजेस में एक एक करेनियल नर्व मिलेगी। मैंने एक पेज में, मतलब मैं इसको बोलता हूँ वन पेपर थ्योरी इस्तेमाल करता हूँ, एक पेज में सारे के सारे इनके कोर्सेज ब्रांचेस मैंने लिख दिए। साथ में हैंड रिटन डायग्राम है, क्योंकि क्या इनके डायग्राम समझ में नहीं आते, मैंने हैंड रिटन डायग्राम लगाए हैं। सो मेरे नोट्स बहुत जल्दी आपको न्यूरो एनाटॉमी एंड करवाने में मदद करवा देंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पे जाके आप बाय कर सकते हो। या स्टाफ का नंबर भी है, उनको कॉल कर लो, डिस्काउंट भी मिल जाएगा।